तो सभी को जय श्री राम। तो कल मैं यही सोया था, यहाँ पर कुत्ता भी सो रहा है और मतलब जो भीख वगैरह जो मांगते हैं वो भी यहाँ पर सो रहे हैं और मैं उनके साथ ही यहाँ पर सो रहा हूँ। अब नहाने वाने की व्यवस्था तो है नहीं, और अभी जो 5 बजे टाइम तो मिल सकता है, जल्दी अभी जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ यहाँ से। और 13 किलोमीटर दूरी पर है, तो 13 किलोमीटर जल्दी पहुँच जाऊँगा दुर्गी, तो वहीं पर रेस्ट वगैरह जो भी वहाँ वहाँ लूँगा। और वैसे भी यार फ्रेश होने के लिए सोचना पड़ता है कि फ्रेश होने के लिए कहाँ जाऊँ, लेकिन इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर खेत वगैरह है, खेत में मैं फ्रेश हो सकता हूँ। तो चलते हैं फिर। अब गांव में रहेंगे तो गांव में आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुर्गी की आवाज़ आएगी सुबह सुबह, भैंस की आवाज़ आएगी और ख़ासकर मम्मियों के झाड़ू की आवाज़ आएगी सुबह सुबह। वैसे भी गांव में सुबह में सब जल्दी जग जाते हैं। ये सब देखो, तो इन्हीं अन्ना की वजह से कल खाने के लिए मुझे मिला था इनके घर में, जो माता जी थी इनकी, आपकी मम्मी है ना वो मदर, बहुत धन्यवाद अन्ना। तो सुबह सुबह आप लोग ड्यूटी करने जा रहे हैं। इधर मैंने देखा कि इधर के जो मतलब बैल जो है ना, वो उनकी हाइट जो है ना बहुत अच्छी हाइट है यार, बैलों की हाइट, गाय की हाइट। हमारे तरफ क्या है कि गाय मतलब मैंने गाय थोड़े छोटे छोटे मैंने देखे हैं, बहुत मतलब कि कमी है कि गाय थोड़े बड़े देखे होंगे या फिर बैल बड़े देखे होंगे, लेकिन यहाँ के बैल वगैरह इतनी अच्छी हाइट है इधर, बहुत अच्छी। ओ यार जगह मिल गया, चलो थोड़ा फ्रेश हो के आता हूँ मैं, तब तक आप बने रहिएगा। आप मुझे पीछे मखडोला में देखे थे क्या? ये आ गया है, ये वाटर रिजर्वायर है यहाँ के गांव के लोगों के लिए, और मुझे इधर से पूरा वो घूम के उधर आना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कोई रास्ता है नहीं, बता रहे यहाँ के लोकल लोग। आगे शायद ब्रिज होगा एक, तो इस रास्ते मुझे बहुत लोग मिले। तो अगर कोई बंदा मुझे मिलता है कि मतलब कि श्री राम जी के बारे में ऐसा ऐसा कहता, तो फिर मैं अगर मैं पूछता सिंपल 2 क्वेश्चन पूछता, एक ही क्वेश्चन पूछता कि आप किस रिलीजन के हैं, आप किसको मानते हैं, तो अगर वो बंदा कहता है कि मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं इसको मानता हूँ, तो फिर तो मेरी उससे बहस होती है। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं मैं अम्बेडकर जी को मानता हूँ, तो फिर मैं उससे बहस मैं खुद नहीं करता, मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मत मानिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर रिलीजन अगर कोई आता है तो फिर मैं उनके साथ बहस कर सकता हूँ, लेकिन अम्बेडकरवादी आते हैं तो मैं उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझता, मतलब सही नहीं समझता। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं ये सोचता कि वो सही रास्ते पर है, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते, किसी भगवान अल्लाह से उन सबको नहीं मानते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अम्बेडकर जी को मानते हैं तो कोई इशू नहीं, आप उनको मानिए, फिर मैं उनसे बहस नहीं करता। या क्या ब्रिज, काफी पुराना लग रहा है यार, है ना, हो सकता है पुराना हो। तो ये सामने घर है और ये डैम बना हुआ है आपका, इधर डैम था और इधर ये लोग रहते हैं। ये देखिए मैंने क्या पकड़ा, इसको बहुत देर से मैं वेट कर रहा था, लगभग आधे घंटे से ऐसे मैं बैठा हुआ था स्टैचू बन के, जैसे ही मेरे पास आएगी वैसे मैं पकड़ लूंगा। बहुत प्यारी है यार, कैसे लोग इसको खा जाते हैं, है ना, बहुत प्यारी है। देखो 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 देखो, हाय बोल दो, हाय 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 हाय। तो यार ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, और देखिए पूरा पीछे ग्रीनरी पूरा। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है दुर्गी, ओहो, बैलों से खेती करवाना, ये सब पुराने ही जमाने में हुआ करता था, अब बहुत मतलब इंटरनल एरिया में और या फिर आउट एरिया में बच गया। और यार इधर एक चीज की खेती मैंने देखी यार, ये कैसे खेती हो रही यार, ये है क्या आखिर, ओ
बहुत बड़ी खेती हो रही यार इधर। ये मैं पहली बार देखो किस तरह की खेती हो रही होगी इधर। पर ये क्या है कि इसका तो नाम ही मुझे नहीं पता, ये कैक्टस है क्या? पर कैक्टस की खेती से करने से क्या होता है यार, क्या बेनिफिट है कैक्टस की खेती से? ये देखिए, तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि कैक्टस की खेती क्यों कर रहे लोग। ये आपका आ गया दुर्गी, दुर्गी का मेन जगह यही है, मतलब मेन मार्केट कह सकते हैं आप इसे। लेकिन यहाँ पर आपको नाइट स्टे वगैरह के लिए नहीं मिलेगा, दिक्कत है थोड़ा। तो शायद मुझे लग रहा है माचेरला यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना पड़ेगा नाइट स्टे के लिए, क्योंकि 2 दिन कम से कम रुकूँगा मैं। ओके, तो दुर्गी मुझे कुछ जगह मिल ही रहा था, तो मैं माचेरला की तरफ जा रहा था। तो माचेरला जैसे मुझे भाई देख लिए, ये भी बनारस के हैं। क्या नाम भाई? उमेश सानी भाई, मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल जो कि उमेश टूरिस्ट ब्लॉग के नाम से है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा भी यूट्यूब चैनल खोल के देख दीजिएगा भाई। हमें मिले थे, हमें राम का फोटो दिखा जो कि ये ट्रैवल कर रहे थे भाई, तो हमें लगा कि इनका कुछ मदद करना चाहिए। तो इसके बाद मैं पूछा कि यार आप कहाँ जा रहे भाई, कहाँ के हो? तो भाई ने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, इतने किलोमीटर चल के आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए मेरे रूम में रोक लिया जाता है, इन्हों को कुछ सुविधा दिया जाता है। तो भाई देखिए गरीब का छोटा मोटा रूम। तो ये खुद का काम है तुम्हारा कि किसी और का? सेठ है। अच्छा, तो सेठ ही तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर दिया था ना। तो भाई खाने की कोई टेंशन नहीं, खाना खाने बाहर मैं ले चलूंगा तुम्हें। आज आप हमारे सदस्य हैं, अरे ऐसी टेंशन नहीं है, आप खाना लो चाहे मत लो, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी कोई बात नहीं, राम भक्त के हम लोग बहुत बड़ा फैन है और रहते रहेंगे, क्योंकि राम हमारे पूजनीय है, पूर्वज है जो। चलो कोई बात नहीं यार। अच्छा तो ये क्या पानी उनी का भी देते हो क्या तुम? हाँ पानी मेरा ये है ना, पानी का दुकान है मेरा सेठ का। अच्छा अच्छा सही। अच्छा इधर बाथरूम वगैरह हो जाता है ना, और छत भी है ना, छत पे जाते? आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आपको क्या करना है, आपको नहाना धोना कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे भाई हैं। तो लाए हैं खरीद के हम लोग आम, वैसे ये आम चूसने वाला नहीं, काट के खाने वाला है। यार ये बताओ छत पर सोने की जगह नहीं मिलेगी ना, क्योंकि छत पर हवा बहुत अच्छा चल रहा है यार। हवा तो चली लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है सीढ़ी बनाया नहीं यहाँ पर। मेरे को तो बस रूम मिला है बस रहने के लिए, जो श्री राम जी की कृपा है मिल गया। तो बी नेचुरल, नेचुरल रहो। ये मत देखो रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, नेचुरल से बात करो मुझे, ये मत सोचो कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है जो रिकॉर्डिंग होते तो फिर वो उनके जो नेचर भाव होता है वो हट जाता है। ये भी काटते ना? पूरा क्यों काट रहे हैं? क्यों पूरा काटना, आराम से घास को भी काट सकते हैं। चलो काटते हैं। आइए। हाँ हाँ मीठा है। दावे अच्छा दिया है 100 रुपये का। अच्छा 100 रुपये किलो, 100 रुपये के ये 1.5 किलो है। काफ़ी अच्छा है, इसको ऐसे भी काटना चाहिए था यार, है ना? अब तो खाना यहाँ पी को तो जैसे काटिए। बहुत बड़ा है, हम काट के ही मजा आएगा। एक आम होता जो चूसने वाला होता वो भी मजा आता, लेकिन इधर मिलेगा नहीं ना, सबके अपने भी खासियत। एक और प्लेट कहाँ गया? ये रखा हूँ बचा के। तो ये है आज का खाना भाई, अपने मालिक के यहाँ से लेके आया है खाना मेरे लिए क्योंकि ये यहाँ पर बनाता नहीं है, बस यहाँ पर रहता है, जॉब करता है बस।